नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मैं गीतांजलि शर्मा हिंदी स्टैंडर्ड 2 की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, पहले इनसे पहले जो सेशंस हुए हैं उसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का अभ्यास कर चुके हैं और उनके रिविज़न लेसन्स भी हम कर चुके हैं। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 है आनंदी का इंद्रधनुष। पाठ का नाम है आनंदी का इंद्रधनुष। इस पाठ के शीर्षक से, टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि यह पाठ कहानी है एक आनंदी नाम की बच्ची की। एक आनंदी नाम की लड़की है जो इंद्रधनुष देखकर बहुत खुश होती है और इंद्रधनुष के उन रंगों को अपने बगीचे के फूलों में भरना चाहती है। बच्चों, ये बहुत ही रोचक कहानी है, आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? बारिश के बाद, बारिश के मौसम में जब बारिश समाप्त हो जाती है, उसके बाद आसमान में बहुत सुंदर, कई बार बहुत सुंदर इंद्रधनुष खिलता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और यह बहुत ही सुंदर लगता है। आप एक बात सोच के देखिए बच्चों, यदि दुनिया में रंग ना हो तो क्या होगा? अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और ये सोचिए कि अगर पत्तों में हरा रंग ना हो तो क्या होगा? फलों का सुंदर लाल, पीला, नीला, हरा रंग ना हो तो वो कैसे लगेंगे? सुंदर सुंदर कपड़ों में रंग बिरंगे रूप ना हो तो वो कैसे लगेंगे? फूलों में रंग ना हो तो कैसे लगेंगे? यदि आपके चारों तरफ हरियाली ना हो, आसमान का रंग नीला ना हो, सभी फीका हो, रंग के बिना हो तो कैसा लगेगा? सोच सकते हैं, दुनिया बड़ी ही सूनी लगेगी बच्चों। तो चलिए, इस पाठ को पढ़ते समय इंद्रधनुष के 7 रंगों की भी हम बात साथ साथ कर लेते हैं। बच्चों, यदि हम इंद्रधनुष के आकार की बात करें तो वर्षा के बाद, बारिश के बाद आसमान में वृत्ताकार एक विशालकाय, बड़ा, बहुत बड़ा वृत्ताकार यानी सर्कल आसमान में बनता है रंगों का, और ये हमें आधा ही दिखता है। और इन रंगों में यदि इनके क्रम की मैं बात करूं तो सबसे पहला रंग होता है लाल रंग। ऊपर से शुरू कर रहे हैं हम इंद्रधनुष को, सबसे पहला रंग होता है लाल रंग। लाल रंग के बाद होता है नारंगी रंग, फिर पीला, फिर हरा। लाल, नारंगी, पीला, हरा, इसके बाद नंबर आता है नीले रंग का, उसके बाद जामनी रंग और उसके बाद बैंगनी रंग। ये इंद्रधनुष के 7 रंग हैं जो बारिश के बाद सूर्य की किरणों पर पानी की परावर्तन के कारण बनते हैं, पानी की बूंदों के कारण बनते हैं, ऐसा हमें आसमान में दिखाई देता है। इंद्रधनुष अक्सर शाम के समय या वर्षा के बाद बनता है और ये देखने में अत्यधिक सुंदर होता है। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं हमारा ये पाठ। पाठ 3, आनंदी का इंद्रधनुष। जैसा कि पाठ के नाम से पता चलता है, इस पाठ में हम आनंदी नाम की एक लड़की की कहानी पढ़ेंगे। पाठ में क्या क्या सीखेंगे? कहानी के आधार पर बातचीत करना सीखेंगे और लिखना, शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना सीखेंगे, रंगों के आधार पर चीज़ों के नाम लिखना और इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखना। फिर बढ़ेंगे हम कहानी की ओर, जिसमें हम यह जानेंगे कि यह कहानी है आनंदी नाम की एक लड़की की, जो अपनी प्यारी बिल्ली मिली के साथ रहती है और इंद्रधनुष के रंगों को अपने बगीचे के फूलों में भरना चाहती है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों की बात करेंगे, उन्हें भी पढ़ेंगे और पाठ के प्रश्न उत्तरों पर भी नज़र डालेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे सही उत्तर पर सही निशान लगाने की ओर और इंद्रधनुष के रंगों में कौन कौन से रंग होते हैं यह जानेंगे। उसके बाद हम इंद्रधनुष के रंगों को वर्णमाला के क्रम में लगाना सीखेंगे और रंगों पर आधारित निम्न चित्रों के नाम लिखना भी सीखेंगे। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखेंगे, अर्थात वर्णमाला में क के बाद क्या आता है, अर्थात किसी वर्ण के पहले आने वाले वर्ण जानेंगे और उसके बाद में आने वाला वर्ण कौन सा होता है यह भी जानेंगे।
आइए दोस्तों, पढ़ते हैं यह कहानी जिसका नाम है आनंदी का इंद्रधनुष। आनंदी गहरी नींद में इंद्रधनुष का सपना देख रही थी। उसकी नींद खुली तो उसने खिड़की से बाहर देखा। वाह, नीले आसमान में इधर से उधर एक बड़ा और चमकदार इंद्रधनुष बना था। आनंदी अपनी प्यारी बिल्ली मिली के साथ भागकर बगीचे में गई। आज वह अपने बगीचे के फूलों में इंद्रधनुष के रंग भरना चाहती थी। एक फूल में उसने इंद्रधनुष के रंगों में से बैंगनी रंग भरा और दूसरे फूल में गहरा नीला रंग। एक फूल में आसमानी रंग भरा और पत्तों में हरा रंग। एक फूल में नारंगी रंग भरा, एक फूल में लाल रंग, लेकिन पीले रंग को उसने वहीं रहने दिया ताकि सूरज चमकदार और खुश दिखाई दे। वाह, बगीचे में हर तरफ सुंदर और रंग बिरंगे फूल ही फूल थे। ऊपर आसमान में सूरज अपनी पीली शान के साथ चमक रहा था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आनंदी की कहानी, इंद्रधनुष में इंद्रधनुष के रंगों को फूलों में भरने की कहानी थी ना, बहुत मनोरंजक? बच्चों, अब इसके साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। पाठ हमने पढ़ लिया है। आज के लिए आपको एक अभ्यास करना है। अपनी रफ नोटबुक के अंदर इंद्रधनुष को बनाने का अभ्यास कीजिए और रंग रंगों से उसे सजाइए भी। फिर मिलेंगे हम, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।